देश में बढ़ रही महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से थाली बचाओ आंदोलन किया गया। शुक्रवार को नागपुर शहर के वैरायटी चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाओ आंदोलन किया गया। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में एलपीजी सिलेंडर को हार पहनाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भारतातल्या सगळ्या नागरिकांचा अतिशय त्यांची एक परीक्षा घेण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। जे 350-400 रुपयाचा सिलेंडर 1100-1200 रुपयावर पोहोचवलं, जो 70 रुपयाचा 65 रुपयाचा पेट्रोल डिझेल तो 100-110 रुपयावर पोहोचवला, बेरोजगारांच्या हातात म्हणजे कटोरा दिल्यासारखं ह्या सरकारने केलं। हे सरकार कुठल्याही पद्धतीचं एक नागरिकांच्या हितेशीचं बिलकुलच नाही, परंतु जो गरीब आहे त्या गरीबालाही कुठेतरी कुठेही त्याला जिवंत जगण्यासाठी त्यांच्याकडे काही पर्याय ठेवलेला नाही। अशा सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महिला असेल, पुरुष असेल, युवक काँग्रेस असेल, हे सगळे मिळून आम्ही आंदोलन करत आहे। आणि या आंदोलनाचा नेमका उद्देश आहे की ज्या पद्धतीने ह्या सरकारनं जे सिलेंडरचे भाव वाढवलेले आहे, ज्या पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवलेले आहे, ज्या बेरोजगारांच्या रोजगारांच्या रोजगार हाताला नाही आहे शिक्षणकर्त्यांच्या, अशा सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही आलेलो आहे। आणि आता ह्या सरकारला खालती पाळल्याशिवाय आम्ही इथून निघणार नाही। आणि त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीनं ज्या महागाई वाढवली, हे महागाई कमी केली पाहिजे अशी आम्ही ह्या निर्लज्ज सरकारला विनंती करतो। आंदोलन का कारण ये है कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जनता से वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और महंगाई कम होने वाली है, तो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। और आज जो योजना थी, निर्मला योजना थी, वो निर्मला योजना पर भी हमारे पंतप्रधान जी ने कोई अमल नहीं किया। उसके पश्चात अभी होली के मौके पर उन्होंने सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये 50 पैसे कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिए। ऐसी झूठी बोलने वाली सरकार जो जनता को राहत देना चाहिए था, जो जनता को रोजगार देना चाहिए था, इस प्रकार का ये सरकार ने, भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। होली के मौके पर, त्योहार के मौके पर मोदी सरकार ने एक जनता को एक अच्छी सौगात दी है, जो सिलेंडर को महंगा कर दिया है। पहले ही रोजगार से जनता परेशान हो रहे हैं और इसीलिए आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, नागपुर शहर की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज हम वैरायटी चौक पर एक आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन सिलेंडर कम करने के उपलक्ष्य में है, जिसकी हमारी मांगनी है कि सिलेंडर के ऊपर जो आप दाम बढ़ा रहे हो उस दाम को कम करिए, वरना हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा, इसी हम अपेक्षा करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।